हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का इम्पॉसिबल क्रिएटिव चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप सभी को ड्रोन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमारा है ड्रोन, आप देख सकते हैं होम मेड बिल्ड हेक्सोकॉप्टर ड्रोन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा ड्रोन और ये है हमारे ड्रोन की फ्रंट डायरेक्शन दोस्तों, ठीक है। ये हमारे ड्रोन की फ्रंट डायरेक्शन है, इसका हमने सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। तो हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई ड्रोन के सारे बेसिक्स बताओ, तो हम आज वही बताने वाले हैं। तो ड्रोन का जो सबसे पहला बेसिक होता है दोस्तों, वो ये होता है कि हमारी जो दो मोटर्स हैं, एडजेसेंट बाजू वाली मोटर दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी। फॉर एग्जांपल हमारी ये वाली मोटर दोस्तों क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो ये वाली मोटर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमेगी दोस्तों। तो ये होता है हमारे सबसे ड्रोन का बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसका रीज़न ये है दोस्तों, आप जानते होंगे न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। तो यदि ये सारी मोटर्स हैं एक ही डायरेक्शन में घूमेंगी, तो हमारा जो ड्रोन है, फॉर एग्जांपल हमारी सारी मोटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रही है, मतलब हमारी सारी मोटर कुछ इस तरह से घूम रही है, तो हमारा जो ड्रोन है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में थ्रस्ट तो आएगा पर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इस तरह मुड़ने लगेगा दोस्तों, इस तरह मुड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारी जो आधी मोटर्स हैं वो क्लॉक वाइज होती हैं, आधी एंटी क्लॉक वाइज होते हैं, मीन्स एडजेसेंट मोटर क्लॉक वाइज और उसके बाजू वाली मोटर एंटी क्लॉक वाइज होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे ड्रोन का जो हो गया सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया ड्रोन का यहाँ पे हमारे दोस्तों। एंड देन उसके बाद हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर हमारा ड्रोन जो है फ्लाई या लिफ्ट फोर्स कैसे जनरेट करता है, तो आपको मैं अपने प्रोपेलर्स में दिखा दूँ दोस्तों। यहाँ पे हमारे प्रोपेलर्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, जब घूमेंगे तो एक एयर फॉइल स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही ये घूमता है तो यहाँ पे एयर फॉइल स्ट्रक्चर बनता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है जिससे थ्रस्ट जनरेट होता है, सेम फॉर द एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में भी यही होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा जो ड्रोन का बेसिक तो ये है, सबसे बेसिक बातें यही थी दोस्तों। एंड देन हमारा जो बात आती है फ्लाई स्टाइक के i6 रिमोट कंट्रोल की दोस्तों, तो यहाँ पे है हमारा, आप देख सकते हैं फ्लाई स्काई का i6 ट्रांसमीटर दोस्तों। और एक भाई ने इसकी रेंज भी पूछी थी, तो इसकी रेंज बता दूँ अबाउट 500 मीटर तक अच्छी रेंज आती है। कंपनी वैसे 500 मीटर तक ही कहती है, पर वैसे एक्सटेंड करके लोग 800 मीटर तक फ्लाई टेस्ट कर चुके हैं, और कुछ लोगों ने मोड यूज़ करके तो 2.5 किलोमीटर, 2.3 किलोमीटर तक भी टेस्ट किया है। आप वीडियो उनके यूट्यूब पर देख सकते हैं सर्च करके दोस्तों। तो ये है हमारा ट्रांसमीटर, और ये हमारे ट्रांसमीटर का जो होता है एरोलॉन, मीन्स ये हमारा फर्स्ट चैनल एरोलॉन होता है। इसकी मदद से हमारा ड्रोन लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करता है, उधर या इधर दोस्तों, ठीक है। अब ये हमारे दोस्तों ये हमारे ड्रोन का जो होता है एलिवेटर होता है, जिससे हमारा ड्रोन फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है। ये हमारे ड्रोन का रडर होता है दोस्तों, ये हमारा फोर्थ चैनल, ये हमारा फर्स्ट चैनल, सेकेंड चैनल, एंड हमारा जो थर्ड चैनल है वो है थ्रोटल, जिससे हम स्पीड कम या ज़्यादा करते हैं। एंड हमारी जो फोर्थ चैनल की बात आती है रडर, तो इससे ड्रोन एक ही जगह पे, फॉर एग्जांपल हमारा ड्रोन एक ही जगह पे है और ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है दोस्तों। तो मैं आप सभी को अब इस चीज़ का बेसिक बात बताने वाला हूँ कि आखिर ये कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो ड्रोन है, हमने इसे अपने ड्रोन को ट्रांसमीटर को ऑन किया, बैटरी कनेक्ट कर ली, मान लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लेते हैं, तो इसको जैसे ही मैं इधर की तरफ करूँगा, मीन्स जैसे ही मैं अपनी स्टिक को आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैं अपनी स्टिक को लेफ्ट की तरफ करूँगा, होगा क्या कि इन मोटर्स की स्पीड उतनी ही रहेगी, इन तीनों मोटर्स की स्पीड बढ़ जाएगी, उधर की जो तीन मोटर्स हैं। यदि आप क्वाडकॉप्टर रीड कर रहे हैं तो उधर की दो मोटर्स की स्पीड बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे स्पीड बढ़ने से होगा क्या कि ये हमारा ड्रोन ऐसे हो जाएगा है, जो ड्रैग जनरेट होगा दोस्तों, इनकी स्पीड ज़्यादा है तो इधर की ओर झुक जाएगा, इधर से उड़ जाएगा ड्रोन, इधर की ओर झुक जाएगा, तो जो ड्रैग जनरेट होगा ड्रोन को ऐसे ले जाएगा। और जैसे ही स्टिक को हम राइट की तरफ करेंगे तो होगा क्या कि इन तीनों मोटर्स की स्पीड बढ़ जाएगी और उनकी जितनी है उतनी ही रहेगी, एंड देन ड्रैग जनरेट होगा, इस तरह से उठ के ड्रोन हमारा झुक के उधर की ओर जाने लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड की, तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको फॉरवर्ड की ओर करूंगा तो इन दो मोटर्स की स्पीड बढ़ जाएगी एंड हमारा ड्रोन कुछ इस तरह से झुक के आगे की ओर जाने लगेगा। एंड बात करूं बैकवर्ड की, तो दोस्तों हमारे जैसे ही बैकवर्ड की ओर हम करेंगे तो हमारे इन दो मोटर्स की स्पीड बढ़ जाएगी और हमारा ड्रोन कुछ इस तरह से झुक के ड्रैग जनरेट होने से इधर की ओर आने लगेगा। तो ये हमारे एरोलॉन से लेफ्ट या राइट होता है, एलिवेटर से फॉरवर्ड या बैकवर्ड होता है, थ्रोटल से स्पीड बढ़ती है दोस्तों, ठीक है। मतलब हमारा ड्रोन कितने हाइट तक जाएगा उससे हमारी स्पीड बढ़ जाती है। एंड अब बात करते हैं हमारे रडर की, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट है समझने में भी और एक्चुअली करने में भी। तो रडर में होता क्या है दोस्तों, जैसा कि हमारी इसमें हेक्सोकॉप्टर है तो तीन मोटर क्लॉकवाइज हैं और तीन मोटर एंटी क्लॉकवाइज हैं। यदि आप क्वाडकॉप्टर बना रहे हैं तो दो मोटर क्लॉकवाइज होंगी, दो मोटर एंटी क्लॉकवाइज होंगी। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल जो मोटर क्लॉकवाइज है, फॉर एग्जांपल ये वाली हमारी मोटर और ये मोटर क्लॉकवाइज हैं दोस्तों, ठीक है।
तो मान लिया कि हमें जो है ड्रोन को क्लॉकवाइज मूव करना है, तो ये जो हमारी क्लॉकवाइज वाली मोटर है, ठीक है ना, तो ये हमारी क्लॉकवाइज वाली मोटर की स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज वाली मोटर की स्पीड उतना थ्रस्ट देने के लिए बढ़ जाएगी। पर जब एंटी क्लॉकवाइज मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा कि हमारा जो अपोजिट रिएक्शन होगा, मतलब अगर मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो अपोजिट फोर्स लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोटर की स्पीड ज़्यादा है, इससे वो फोर्स इस फोर्स को ऊपर क्रॉस कर जाएगा और इस ज़्यादा फोर्स होने की वजह से हमारा जो ड्रोन है दोस्तों, अब हमारे एंटी क्लॉकवाइज मोटर की स्पीड ज़्यादा है तो क्लॉकवाइज जो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और हमारा ड्रोन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, मतलब कुछ इस तरह। तो जब रडर को हम इधर की ओर करते हैं दोस्तों, तो तब हमारा ड्रोन इधर की ओर होता है अपने जो फोर्स को चेंज करके, या कहते थ्रस्ट को चेंज करके। अब यदि हम ड्रोन को अपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं तो हमारे जो सबसे बड़ी बात होगी कि हम अपनी एंटी क्लॉकवाइज मोटर का जो स्पीड है, हमारी जितनी भी ये है हमारी एंटी क्लॉकवाइज मोटर और ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज मोटर, वो है एंटी क्लॉकवाइज मोटर, तो इन तीन जो मोटर्स की स्पीड है वो दोस्तों कम हो जाएगी और जो हमारी क्लॉकवाइज मोटर्स की स्पीड है वो बढ़ जाएगी उतना थ्रस्ट मेंटेन करने के लिए ड्रोन को उस साइड पे मेंटेन करने के लिए। पर यहाँ पे होगा क्या कि जो क्लॉकवाइज अपोजिट फोर्स जो लग रहा है क्लॉकवाइज, तो वो कम हो जाएगा और जो एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट फोर्स लग रहा है वो उसे क्रॉस कर जाएगा, वो उसके ओवर चला जाएगा, ज़्यादा रहेगा उससे दोस्तों। तो जिधर की ओर फोर्स ज़्यादा होगा ड्रोन उधर की तरफ मूव करेगा और कुछ इसी तरह से हमारा ड्रोन एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगेगा। तो ये है कुछ हमारे ड्रोन की काफ़ी बेसिक बातें, और यदि कोई बात मैं बताना भूल गया हूँ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और ड्रोन कैसे उड़ाना है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ड्रोन कैसे बनाना है, फ्लाई स्काई आई6 ट्रांसमीटर के बारे में, APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोल के बारे में हर एक वीडियो मैंने बना रखी है दोस्तों, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। यदि आप इस तरह का ड्रोन बनाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो ये थी हमारे ड्रोन की कुछ बेसिक बातें। और ड्रोन्स में जो हम यूज करते हैं, अक्सर हम DC मोटर नहीं यूज करते हैं, ड्रोन में आउटरनर ब्रशलेस मोटर यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये हमारी आउटरनर ब्रशलेस मोटर है और इनकी जो RPM है लगभग 14,000 RPM होती है, 10.5 प्रोपेलर्स इसमें यूज किए हैं, 10.45 प्रोपेलर्स। तो दोस्तों अब बस इसका प्रैक्टिकली आपको दिखाना रह गया है, तो एक बार मैं आपको इसका प्रैक्टिकली दिखा दूँ तो लगभग ड्रोन की सारी बेसिक बातें कवर ही हो गई हैं। तो दोस्तों मैंने अपने ड्रोन में बैटरी कनेक्ट कर दी है, बारी है इसे आम करने की। ड्रोन आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा साइड में रखा हुआ है। तो यहाँ पे आ गया हमारा ड्रोन और यहाँ पे आप स्टिक देख सकते हैं। तो आप स्टिक का मूवमेंट और ड्रोन का मूवमेंट देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि ड्रोन आखिर कैसे फ्लाई होगा। दोस्तों आपने स्टिक का मूवमेंट देख के और मैं ड्रोन का फ्लाई मूवमेंट देख के समझ लिया होगा कि आखिर ड्रोन ये फ्लाई कैसे करता है। और दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।